हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और इसके अंदर प्रॉब्लम्स 6 हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 प्रॉब्लम है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट वाले को करेंगे और अगले वाले वीडियो में फिर सेकेंड वाले को करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके मतलब अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग इस क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे दिया है। अभी तक जो है आप कर रहे थे वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं था, लैंग्वेज को पढ़ना है, पढ़ करके आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म का मतलब हो गया तैयार करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को रीड करके, यहाँ से प्रॉब्लम्स को आप रीड करोगे जो 6 प्रॉब्लम दिया हुआ है, उन सब में अलग अलग लीनियर इक्वेशन बनेगा। फिर आपको उनके सॉल्यूशंस को निकालना, सॉल्यूशन निकालने का मतलब एक्स और वाई के वैल्यू को ढूंढना है, कौन से मेथड का यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो चलो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर है उनका डिफरेंस 26 है। डिफरेंस का मतलब मैथ में, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब मैथ में होता है माइनस, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट, है ना, माइनस करना। तो दो नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। एक नंबर जो है दूसरे नंबर से, बोल रहा ना, एक नंबर दूसरे नंबर से थ्री टाइम्स है। थ्री टाइम्स का मतलब, टाइम्स का मतलब मैथ में टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो तीन गुना है, बोल रहा है एक नंबर, उनमें से एक नंबर, जिन नंबर का आप डिफरेंस निकालोगे उन नंबर में से एक नंबर दूसरे नंबर का थ्री टाइम्स है, मतलब तीन गुना है, तीन गुना है दूसरे नंबर का। तो आपको उनको ढूंढना है, आपको उनको फाइंड करना है, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को आपको फाइंड करके लाना है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो आपसे बोला गया ना फाइंड करने के लिए, वहाँ से आप इसको स्टार्ट करो। क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, उन नंबर्स को फाइंड करने के लिए बोला गया, तो वहाँ से आप स्टार्ट करो, उनको आप पहले मान लो। जो आपको नंबर नहीं पता ना, उस नंबर्स को आप यहाँ पे लेट कर लो, सपोज कर लो, मान लो, ठीक है। लेट वन नंबर बी, लेट वन नंबर बी, और वन नंबर क्या, मैं यहाँ पे ग्रेटर नंबर बोल देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले लेट ग्रेटर, जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर बी एक्स, जो बड़ा नंबर है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई, स्मॉलर नंबर को हम वाई मान लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे फर्स्ट लाइन में डिफरेंस, उनका डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो डिफरेंस का मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, माइनस। तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो एक्स में से वाई को घटाएंगे तो आएगा 26। ये अपना हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था ऊपर ही कि आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, पेयर बनाना है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन बनाना है। एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है, एक और इस वाले लाइन से बनेगा। इस वाले लाइन में क्या बात बोली गई है वो आप देखो, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, यानी बड़ा, आप खुद दिमाग लगाओ, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर मतलब पहला जो नंबर है, मतलब जो भी नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, थ्री टाइम्स है। तो आप देखो यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे दिमाग लगाओ, जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का क्या होगा, थ्री टाइम्स होगा। तो छोटा नंबर यहाँ पे वाई है, उसका थ्री टाइम्स होगा बड़ा वाला नंबर, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके वहाँ से हम एक्स या वाई का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और वहाँ से जो एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिलता है उसको हम लोग किसी दूसरे इक्वेशन में रख करके सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे मिल ही रहा, ऑलरेडी मिल रहा है, हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स इक्वल टू टू थ्री वाई, इस वैल्यू को ले जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी थ्री वाई को एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब रखना, इस वैल्यू को यहाँ ले जाकर रखेंगे एक्स की जगह पे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई है, थ्री वाई को एक्स की जगह पे रखें तो थ्री वाई माइनस वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले कि एक्स इक्वल टू थ्री वाई को पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, एक्स इक्वल टू थ्री वाई को पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 3y में से y को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y आएगा, और यहाँ पे होगा 26, तो y का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 13, y का आंसर हो जाएगा 13। चलो एक नंबर तो हमारा स्मॉलर नंबर क्या आ गया, 13 आ गया, स्मॉलर नंबर तो हमारे पास आ गया, स्मॉलर जो नंबर है
वो है 13। अब जो ग्रेटर नंबर है वो निकालते हैं, तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे सेकंड में इसको ले जा करके रख दो, वाई के वैल्यू को, जो वाई का वैल्यू आया उसको सेकंड में रख देंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, 3 × 13 यानी कि 39 आएगा। तो देखो ये जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, वो अपना 39 हो गया। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स का आंसर आ गया 39 और वाई का आंसर आ गया 13, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, इस ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है।